इब्ने कय्यम का एक कोट सुनिए कि डू नॉट कैरी द वरीज ऑफ दिस लाइफ बिकॉज दिस इज फॉर अल्लाह। दुनिया के वरीज को कैरी ना करो, ये नहीं है कि वरी हो ही ना, वरी होना नेचुरल है। वो कहते हैं ना कि परेशान होना नेचुरल है लेकिन परेशान रहना नेचुरल नहीं। हर बंदा परेशान हो जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे, सहाबा परेशान हो जाते थे। परेशानी तो आती है जब उनकी वाइफ पे इल्ज़ाम लगा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ पे हज़रत आयशा सिद्दीका, परेशानी आई, परेशान हो गए लेकिन परेशान रहे नहीं। तो अगर आप कैरी करेंगे दुनिया के वरीज को तो इसका मतलब है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ट्रस्ट नहीं है, फिर तवक्कल में कुछ कमी। एंड डू नॉट कैरी द वरीज ऑफ सस्टेनेंस बिकॉज इट इज फ्रॉम अल्लाह। और रिस्क की टेंशन नहीं लेनी, मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घर बैठ जाना। सस्टेनेंस की वरी को कैरी नहीं करना, सर पे सवार नहीं कर लेना। अब्दुल दिरहम अब्दुल दिनार नहीं बन जाना, अब्दुल्ला बनना है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि वो टू अब्दुल दिरहम एंड वो टू अब्दुल दिनार। तबाही है अब्दुल दिरहम के लिए और अब्दुल दिनार के लिए। कौन? जो पैसे का बंदा है। अब्दुल दिरहम पैसे का गुलाम है, पैसे का पुजारी है, उसके लिए तबाही है। सो पैसे का गुलाम नहीं बनना। रिस्क की आपने टेंशन नहीं ली। अल्लाह ताला राज़िक है, अल्लाह ताला चिड़ियों को रिस्क देता है, अल्लाह ताला परिंदों को रिस्क देता है, अल्लाह ताला बगैर मांगे रिस्क देता है। नॉन मुस्लिम्स अल्लाह से तो नहीं मांग रहे, अल्लाह दे रहा है। अल्लाह ने तो बिल गेट्स का भी रिस्क लिखा हुआ है, अल्लाह ने तमाम लोग का रिस्क लिखा हुआ है। तो रिस्क आकर रहेगा, इसीलिए तवक्कल अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर। और फिर कहा एंड डू नॉट कैरी एंग्जाइटी फॉर द फ्यूचर बिकॉज इट इज़ इन दी हैंड्स ऑफ अल्लाह। और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचिए कि क्या हो जाएगा, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, मेरा क्या बनेगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा कैरियर क्या है। कैरियर अल्लाह बनाता है, स्कोप अल्लाह बनाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में थे, अगर वो ये सोचने लग जाते मेरा क्या बनेगा, तो उन्होंने बादशाह बनना था इजिप्ट का। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में जब थे उन्हें तो नहीं पता था मैंने बादशाह बन जाना है इजिप्ट का। सो यू नेवर नो हालात कैसे चेंज होते हैं। तवक्कल अल्लाह पे करना है, काम डाउन रहना है, कंपोज्ड रहना है बड़ा मुश्किल काम, इसीलिए तो इसका सवाब है। इसीलिए तो अल्लाह को ऐसे लोगों से मोहब्बत है क्योंकि मुश्किल काम है, हर बंदा नहीं करता। ज़्यादातर लोग पैनिक होते हैं, स्पेशली रिस्क की जब बात आती है। तो मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है, यकीन कीजिए कि रिस्क की टेंशन नहीं लें। अगली चीज़ रेडी होगी आपके लिए अगर आप अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखेंगे। और अगर नहीं भी रेडी, अगर आप कुछ देर के लिए अनएम्प्लॉयड भी हैं, कुछ देर के लिए नहीं वो चीज़ आपको मिल रही, सो व्हाट, अल्लाह ताला तो आपकी लाइफ में है।